जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें जो CPRI में जो वैकेंसी आई है आपका एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट के लिए, तो आप जो कैसे आवेदन कर पाएंगे। तो CPRI क्या है? सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें 99 पोस्ट जो है दी हुई है। यहाँ पे फॉर्म जो आपके स्टार्ट 25 मार्च से हो चुके हैं, वही आपकी 14 अप्रैल जो है लास्ट डेट होने वाली है। तो आप कैसे जो है आवेदन कर पाएंगे, यहाँ पे आपका जो है एग्जाम भी, आपकी जो है एग्जाम की डेट भी फिक्स है। 23 मार्च एग्जाम डेट है, उसका स्किल टेस्ट की 15 मई जो है डेट होगी। तो उसका बात करें यहाँ पे, देखिए आप फीस की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए 500 है और ग्रेड सेकंड के लिए 500 है। आपका इंजीनियरिंग ऑफिसर के लिए 1000 है, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 1000 है। वही फीमेल के लिए कोई भी नहीं है, SC ST के लिए फ्री है, जनरल OBC के लिए फीस जो है दी हुई है। यहाँ पे आप एज लिमिट देख सकते हैं एंड आपको सैलरी भी यहाँ पर शो हो जाएगी। अब वीडियो को थोड़ी देर रोकने के बाद यहाँ पे आप अपना देख पाएंगे। ये सारी छोटी छोटी बातें मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, तो आप नॉर्मली यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं आपका सिलेबस दिया हुआ है तो सिलेबस भी आप अपना देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी वैकेंसी दी हुई है एंड आपका लाइब्रेरी आपका जो है यहाँ पर आपका ITI से भी है, BA, BA, BSc, BCom, BTech सभी से जो है वैकेंसी दी हुई है। तो आपको किस पद के लिए आवेदन करना चाहता है, आप किसके लिए जो है एलिजिबल है, उस पोस्ट को आप जो है सिलेक्ट कर पाएंगे। इन क्या है, सबसे पहले आपको बता दूं फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जाना होगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपका देखिए फॉर्म स्टार्ट 25 मार्च और आपका जो है 14 अप्रैल लास्ट डेट। पेमेंट की 25 मार्च से लेकर 23 मार्च तक जो है आप अपना पेमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या है, सबसे पहले 23 अप्रैल तक यहाँ पे आपको करना होगा रजिस्टर पे क्लिक। तो आपको रजिस्टर पे यहाँ पे डालना होगा email ID एंड कन्फर्म email ID। उसके बाद आपको पासवर्ड दिखाई देगा। पासवर्ड क्या है, आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिक मोड, स्पेशल करेक्टर। तो इसी तरीके से पासवर्ड जो है आप अपना डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर को कर देंगे कंफर्म एंड उसके बाद आपको यहाँ IM Reboot पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको याद रहे मोबाइल नंबर और email ID आपको खुद का ही लगाना है ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आपको क्या है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आपने रजिस्टर पे क्लिक किया है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो है OTP भेज दिया गया है। तो आपका OTP ईमेल और फोन दोनों पे भेज दिया गया है। अगर आपका OTP प्राप्त नहीं हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको क्या है स्पैम में जाके चेक कर लेना है मेल पे। तो आपको OTP मिल जाएगा, OTP नहीं आया तो रीसेंड कर सकते हैं। उसके बाद आपका OTP डालने के बाद वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है हो जाएगा। यहाँ पे क्या है स्टार्ट एंड व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है, आपको इसको नीचे कर लेना है। सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आपको आई कन्फर्म कर देना है एंड आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू के बाद पूछा किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। आपका जो है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट, साइंटिफिक इंजीनियरिंग, तो आप किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो वो पद आपको क्या है यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। पद सेव हो गया है, उसका पूछा है वेदर यू हैव क्वालिफाइड ITI इलेक्ट्रिकल, तो आपको यस करना होगा। एंड उसका पूछा है गवर्नमेंट सेंटर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बॉडीज, तो आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। यहाँ पे आपको पूछा हैव यू अप्लाइड फॉर अपॉइंटमेंट एनी फेयर, तो आप किसी और के लिए अप्लाई कर चुके तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, अन्यथा नो कर देना। तो आर यू पब्लिशिंग आप पर्सिंग हायर क्वालिफिकेशन, तो आपको यस करना होगा। उसका क्रिमिनल केस तो नहीं है तो वो आपको नो करना होगा। उसका पूछा आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। एंड उसका 7 कंटिन्यू कर देंगे। उसका पूछा है टाइटल, आपको यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेज जो भी आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या है यहाँ पर दिखाई देगा, आपको फर्स्ट नेम, तो आपको यहाँ पर क्या है फर्स्ट नेम जो है डालना होगा। उसका लास्ट नेम पूछेगा तो आपको लास्ट नेम जो है डाल देना है। उसका डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा, आपको डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर जेंडर चूज कर लेना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। वहीं आपका मैरिटल स्टेटस पूछता है मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है, वो आपको डालना। उसका अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अवेलेबल है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका आधार नंबर, तो आपको आधार नंबर विदाउट स्पेस डालना होगा। उसके बाद आप आता है कैटेगरी, आप जनरल OBC SC ST किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको डालना होगा। उसका पूछता आपका जो है एक्स सर्विसमैन है या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, दोनों में से कुछ नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। उसका पूछता है विकलांग सर्टिफिकेट है, PWD है, तो यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर देंगे। एंड उसका पूछता आपका फादर्स नेम, तो आपको यहाँ पर फादर्स नेम जो है
डाल देना है। फादर्स नेम में फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो आपको डालना होगा। उसके बाद आता है आपका एड्रेस, तो आपको यहाँ पर क्या आपका जो हाउस नंबर है वो डालना होगा एंड कौन सी गली है वो आपको डालना होगा। उसके बाद आपका कहाँ पर है वो आपको डालना होगा। तो उसके बाद आपका यहाँ पर सारा एड्रेस जो है आपको फिलअप करना होगा। यार डालने के बाद उसका नीचे दिखाई देगा आपको पोस्ट ऑफ आपका जो है स्टेट, तो आपको स्टेट सेलेक्ट करना है किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। उसका उस आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको डालना होगा एंड उसका उस आपका जो है विलेज या सिटी, तो आप विलेज अपना जो जिस आप कॉलोनी में या विलेज में आप रहते हैं वो आप अपना डाल सकते हैं। डालने के बाद पूछता है पिन कोड, तो यहाँ पर आप पिन कोड अपना एरिया का डाल देंगे एंड उसका पूरा परमानेंट एंड प्रेजेंट सेम है तो सेम कर देंगे, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। ये करने के बाद आपको क्या है सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है और जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपको हायर क्वालिफिकेशन क्या है आपको वो सिलेक्ट करना होगा एंड आपका मेजर सब्जेक्ट क्या है वो आपको कर लेना है। उसका पूछता है आपने 10th किस बोर्ड से पास किया था वो आपको डालना है, किस ईयर में पास किया था वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है आपको अच्छे से डालनी है, कोई भी गलती नहीं करना है। ये डालने के बाद आपको पूछता है आपका परसेंटेज कितना था 10th में, तो वो आपको डालना होगा एंड ग्रेड कौन सा था वो आपको डाल देना है। उसका पूछता है आपको 12th आपने किस से पास किया था, साइंस से कॉमर्स से, तो वो आपको डालना होगा। ये डालने के बाद आपको दिखाई देगा किस स्टेट में आपने पास किया था, तो वो आपको सेम सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा नेक्स्ट ऑप्शन परसेंटेज, तो आपको परसेंटेज भी डाल देना है एंड डिवीजन डाल देंगे। उसके बाद आपके पास डिग्री डिप्लोमा है तो वो आप अपना डिप्लोमा जो है डाल सकते हैं। आपके पास ITI है, डिग्री है, डिप्लोमा है, जो भी आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछता है आपका कब आपने पास किया था, तो वो आपको डालना होगा। तो आपको ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है जिससे आपको प्रॉब्लम आ जाए। यहाँ पर आपको परसेंटेज डालना होगा कितना आपका परसेंटेज है। उसके बाद आपका क्लास कौन सा है वो आपको डालना होगा एंड आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो आप डाल सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी 100 से 300 KB के बीच में। एंड 10th के बाद आपको क्या है 12th का अपलोड करना होगा एंड आपका डिग्री डिप्लोमा ग्रेजुएशन जो भी है वो भी आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन जितना भी आपको सारी क्वालिफिकेशन अपलोड करनी होंगी। ये अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगे एंड उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे यहाँ पर पूछता है आप करंट एम्प्लॉय हैं या नहीं है, तो आप जो है एम्प्लॉय हैं तो यस कर सकते हैं, अगर नॉट एम्प्लॉय हैं तो नॉट एम्प्लॉय कर सकते हैं। उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आप एड एप्लीकेशन को डिटेल कर सकते हैं, नहीं है तो आपको खाली छोड़ देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका आता है फोटोग्राफ, तो आपको फोटोग्राफ जो है यहाँ पर अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ के बाद आपका आता है सिग्नेचर, तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो फोटो का साइज आपका 20 से 50 KB, वहीं सिग्नेचर का साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। फोटो एंड सिग्नेचर आप अपलोड कर देंगे, आपका जब तक यहाँ पर नहीं दिखाई देगा तो आप जो फोटोग्राफ आपका अपलोड नहीं माना जाएगा। तो आपको क्या है यहाँ पर फोटोग्राफ जो है एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे एंड शो हो जाएगा तो आपका माना जाएगा कि आपका अपलोड हो चुका है। वहीं आपका ITI का डॉक्यूमेंट नंबर, आपका रोल नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है एंड ITI सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। एंड ये अपलोड करने के बाद आपको क्या है सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे इसके बाद क्या है आपको सेंटर चूज कर लेना है। तो आपको दोनों सेंटर अलग अलग चूज करने होंगे। सिटी डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका फॉर्म जो चेक करने के लिए आ जाएगा, आपके फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो आप सही कर सकते हैं, अगर आपका बिल्कुल सही है तो आपको टर्म एंड कंडीशन को आप पास करते हुए आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। ये पूछेगा आपका डाटा सही है, आप जो है इसके बाद एडिट नहीं कर पाएंगे, तो आपको यस कन्फर्म कर देना है। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल हो चुका है। यहाँ पर आपको क्या है एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट एंड व्यू करके देखेंगे एंड अपना फॉर्म जो है डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली अपना जो है फॉर्म भरना, अपने आप ही फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। आपका योर एप्लीकेशन है सबमिटेड, नो चार्ज कैन बी डन, तो आपका फॉर्म जो है फाइनल हो चुका है। तो आपका फॉर्म जो है आप प्रिंट ले सकते हैं, तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं एंड प्रिंट को सेव कर लेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप जनरल OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको पेमेंट का ऑप्शन आता है, बाकी फाइनल आपका फॉर्म जो है हो जाता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी मददगार रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।